Assalamualaikum, first time mathematics chapter 12, exercise 12.2 शुरू करते हैं। exercise 12.2 के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं sine law। sine law में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma। sine law हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो sides और एक angle given हो, या दो angle और एक side given हो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइन लॉ। और कोसाइन लॉ हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास तीन साइड गिवन हो, ठीक है। जब तीन साइड गिवन हो तो हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीन साइड गिवन हो और कोई एक एंगल मालूम करना हो हमें, तो हम कौन सा कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास, अच्छा, कोसाइन लॉ का फॉर्मूला है सी स्क्वायर। अब देखें, सी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गैमा, ठीक है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा। बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा। और हमारे पास टेंजेंट लॉ है, टेंजेंट लॉ हमारे पास है ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये बराबर है टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब बी माइनस सी है, बी प्लस सी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, बी माइनस गामा बी बी प्लस गामा। अगर c माइनस ए सी प्लस ए है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा माइनस ए गामा प्लस ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब देखें, इन्होंने हमें तीन साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। अब साइड्स हमें, ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल हमने इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसको आपने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया, ठीक है। अब जो अल्फा के साथ है वो ए के साथ है वो अल्फा, बी के साथ जो एंगल होगा वो बीटा, सी के साथ जो एंगल होगा उसको हम गामा ले लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने साइड्स गिवन है, ए जो है 100 के बराबर है यानी ए इज इक्वल टू 100, बी के सामने बी होगा, ये क्या हो गया आपके पास 125, सी के सामने सी है आपके पास, ये आपके पास हो गया 80। तो जनाब हमें तीन साइड्स हैं, मालूम क्या करना है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो हमें साइड्स गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। तो कोसाइन लॉ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ से जो माइनस टू बी सी कॉस अल्फा इक्वल टू को इस तरफ आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव टू बी सी कॉस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू को इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, सही। इस तरह से यहाँ से आप कॉस अल्फा का फार्मूला आपके पास आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, ठीक है। टू बी सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस अल्फा से, इक्वल टू को इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, बी आपके पास है 125 का स्क्वायर हो जाएगा, सी आपके पास 80 है 80 का स्क्वायर माइनस ए आपके पास है 100 तो 100 का स्क्वायर टू, बी आपके पास है 125 सी आपके पास 80। जनाब कॉस अल्फा बराबर होगा 15625 प्लस 6400 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 20000, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 1025 डिवाइडेड बाय 20000। यहाँ से आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 0.60125, ठीक है। अभी हमने कॉस अल्फा, अब अल्फा जो है बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.60125, तो अल्फा बराबर होगा 53.0409 डिग्री, ठीक है। और इसको एक तरह से और भी हम ले सकते हैं, वो आपके पास क्या होगा, इसको आप ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री पॉइंट 2 मिनट 25 सेकेंड में भी आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा आ गया, बीटा मालूम कर लेते हैं। तो जनाब कॉस बीटा भी हम
किस फॉर्मूले से निकालेंगे, बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको आप कह लें डिवाइडेड बाय टू ए सी। तो ये आपके पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 280। ये वैल्यू आपके पास आएगी, कैलकुलेटर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 775 डिवाइडेड बाय 16000। ठीक है, तो जनाब बीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0484375। जनाब बीटा की वैल्यू आपके पास आई 87.2236 डिग्री, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 87 डिग्री 13 मिनट 25 सेकंड। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अब गामा के लिए हमारे पास, मैं आपको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास होगा 100 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 100 into 125। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 19225 डिवाइडेड बाय 2500। जनाब कॉस गामा बराबर हो जाएगा 0.769 के। तो गामा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कॉस इनवर्स 0.769। तो गामा आपके पास आएगा 39.7358 डिग्री, और गामा आप लिख सकते हैं 39 डिग्री 44 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, पॉइंट खत्म करने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। ठीक है, तो एंगल बना लेते हैं पहले ए बी सी, ए के साथ वाला अल्फा, बी के साथ वाला बीटा, सी के साथ वाला गामा, बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी। ठीक है, अब हमें मालूम करना है, अब देखें गिवन हमारे पास क्या है। गिवन आपके पास है अल्फा, गिवन है आपके पास जो कि आपके पास है 25 डिग्री, ए आपके पास है 40 सेंटीमीटर और बी आपके पास है 20 सेंटीमीटर। सही है, तो जनाब और रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें है बीटा गामा और सी मालूम करना है। सही, तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर बीटा क्या यूज करेंगे, यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा के। सही, तो जनाब साइन बीटा बराबर हो जाएगा बी इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। बी आपके पास है 20, अल्फा आपके पास है 25 डिग्री, ए आपके पास है 40। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.21130। तो जनाब अभी हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आई है, बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.21130।
तो बीटा आपके पास आ गया यहाँ से 12.20 degree, ठीक है। अब हमारे पास देखें दो एंगल है ना, तीसरा एंगल हम मालूम कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले के जरिए मालूम करा, और हम चाहे तो फॉर्मूले से एंगल मालूम कर लें थर्ड, लेकिन जब हमें दो एंगल मालूम हो तो हम लिखेंगे वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है, ठीक है। इन तीनों को अगर हम सम करेंगे ना तो हमारे पास 180 degree आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दो एंगल हैं बीटा और अल्फा, गैमा हम आराम से मालूम कर सकते हैं। कैसे गैमा हम मालूम कर सकते हैं कि 180 डिग्री में से माइनस करवा दें अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है। तो जनाब ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस 12.20 degree। जनाब यहाँ से आपके पास गैमा आ गया 142.8 degree। ठीक है, अब एंगल हमने दोनों मालूम कर लिए, बीटा भी मालूम कर लिया, गामा भी मालूम कर लिया। अब हम सी मालूम कर लेते हैं। जना फॉर सी अगेन यूजिंग साइन लॉ, साइन लॉ हमें क्या कहता है, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है सी अपॉन साइन गामा के, ठीक है। तो जनाब सी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, तो ये बराबर हो जाएगा 40 साइन गैमा हमारे पास आया है 142.8 degree डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू है 25 degree। अब इसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी 57.22412 centimeter, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दो एंगल हैं और एक साइड गिवन है, ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। अल्फा हमें गिवन है, बीटा हमें गिवन है, गामा हमें मालूम करना है, ठीक है। सी हमें गिवन है, बी हमें मालूम करना है और ए हमें मालूम करना है। तो हम जनाब सॉल्यूशन, अच्छा इनके लिए आपको पहले ना गिवन रेट वगैरह लिखना पड़ता है क्वेश्चन में, तो आप ये गिवन रेट वगैरह लिख लीजिएगा। गिवन रेट में आप लिख लें अल्फा 49 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, सी आपके पास है 39 सेंटीमीटर। तो जनाब रिक्वायर्ड आपको क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास गामा है, बी है और ए मालूम करना है, दो साइडें मालूम करनी है और एक एंगल मालूम करना है। यहाँ दो एंगल हैं तो थर्ड एंगल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 degree। तो जनाब यहाँ से आपके पास गामा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 109 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास गामा आ गया 71 डिग्री। साइड्स मालूम कर लेते हैं, साइड्स के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ए यूजिंग साइन लॉ, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है सी अपॉन साइन गामा के। तो यहाँ से आपके पास ए बराबर हो जाएगा सी साइन अल्फा अपॉन साइन गामा, सी आपके पास है 39, अल्फा आपके पास है 49 डिग्री, गामा आपके पास आया है 71 डिग्री। तो जनाब ए आपके पास हो जाएगा 29.4336 डिवाइडेड बाय 0.94555, ठीक है। तो ए आपके पास आया 31.12986 centimeter, ए आ गया। फॉर बी के लिए भी हम क्या करेंगे,
और बी के लिए भी हम यूजिंग साइन लॉ कि जनाब बी अपॉन साइन बीटा बराबर है सी अपॉन साइन गामा के, तो जनाब बी हो जाएगा बराबर सी इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा। सी आपके पास है 39, बी आपके पास है साइन 60 डिग्री, साइन बीटा यानी बीटा जो है 60 डिग्री है डिवाइड में है साइन गामा, गामा आपके पास था 71 डिग्री, तो जनाब बी बराबर हुआ 33.774 डिवाइडेड बाय 0.9455। जनाब यहां से आपके पास बी भी आ गया 35.720 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बीटा गिवन है और दो साइडें गिवन है ए बी सी अल्फा बीटा। अल्फा मालूम करना है हमें, गामा मालूम करना है, ए हमें गिवन है, सी हमें गिवन है और बी मालूम करना है, ठीक है। अब आप इनके आगे ना इनकी वैल्यूज भी लिख दिएगा। तो जनाब रिक्वायर्ड हमें है अल्फा, गामा और एक साइड मालूम करनी है यानी के बी, ठीक है जनाब। तो जनाब यूजिंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ हम यूज करेंगे बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमें ए और सी गिवन है और बीटा गिवन है, तो हम कोसाइन लॉ यूज कर लेंगे, ठीक है। माइनस 2ac कॉस बीटा, ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास है 70 का स्क्वायर प्लस सी आपके पास 58 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 70 इंटू 58 इंटू कॉस बीटा हमारे पास है 55 डिग्री। तो जनाब बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब आप ये वैल्यू पूरी कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3606.559। तो ये ना स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 3606.559 स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी आपके पास आएगा 60.0546 सेंटीमीटर। एक साइड हमने निकाल ली, अल्फा मालूम कर लेते हैं, और अल्फा के लिए हम क्या करेंगे कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। ये फार्मूला कोसाइन लॉ के जरिए से निकला, ए स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने कॉस अल्फा का फार्मूला बनाया, तो यहाँ से आपके पास आएगा 60.05 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60.05 इंटू 58। जनाब कॉस अल्फा आपके पास हुआ 2070.0025 डिवाइडेड बाय 6965.8, ठीक है, और ये इक्वल टू होगा 0.29716 के। उसी तरह से अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स 0.29716 के, यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आई 72.71 डिग्री। अल्फा हमारे पास है, बीटा हमारे पास है, तो हम गामा इजीली मालूम कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री के। जनाब गामा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा के, जनाब गामा की वैल्यू आपके पास आएगी 180 डिग्री माइनस 72.71 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 127.71 डिग्री, तो गामा बराबर हुआ 52.29 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो एंगल हैं
और एक साइड है। मालूम हमें करना है बी सी और अल्फा मालूम करना है हमें, ठीक है। बीटा और गामा गिवन है और ए बी हमें गिवन है, तो ये आपके पास गिवन में आ गया। और रिक्वायर्ड में हमारे पास है, रिक्वायर्ड हमारे पास है अल्फा बी और सी। इतना फॉर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा के, सही। ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। तो अल्फा आपके पास आया 44 डिग्री, ठीक है, अल्फा आ गया। बी मालूम कर लेते हैं। फॉर बी के लिए हम करेंगे यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ हमें कहता है ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा के, ठीक है। ए क्योंकि हमें ए गिवन थी ना, एक साइड गिवन थी, तो हमने ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा ले लिया। और यहाँ से आपके पास बी बराबर हो जाएगा ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ए आपके पास है 317, बीटा आपके पास है 78 डिग्री और अल्फा आपके पास है 44 डिग्री। यानी बी आपके पास होगा 310.072 डिवाइडेड बाय 0.6946। यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आई 446.403 सेंटीमीटर। फॉर सी इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यूजिंग साइन लॉ। ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है सी अपॉन साइन गामा के, तो यहाँ से आपके पास सी बराबर हुआ ए साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ए आपके पास है 317, गामा आपके पास है 58 डिग्री, अल्फा आपके पास है 44 डिग्री, तो सी हुआ बराबर 268.8312 डिवाइडेड बाय 0.6469 46 के। यहाँ से आपके पास सी भी आ गया 387.0302 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।